नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग की। अब यहाँ पे ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये चैनल तो हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चैनल हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में ही है, और जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग की बात हम आज करने वाले हैं, वो हम ह्यूमन बॉडी के अर्थिंग या ग्राउंडिंग की बात करने वाले हैं। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी अर्थिंग का मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके बॉडी में से एक तार घुसा के जमीन में घुसेड़ देंगे, नहीं, एकदम इजी तरीका है जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में हम अर्थिंग से कैसे आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो सकती है, कैसे आपके क्रॉनिक पेन जो है, जो लंबे समय से आपके बॉडी में पेन चल रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उसको कम कर सकते हैं, और आपकी ओवरऑल लाइफ जो है, आपकी हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हर एक चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अर्थिंग के द्वारा क्या क्या आपको फायदे मिल सकते हैं, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ये डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अर्थिंग की टेक्निक जानने से पहले हमें बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दरमियान ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एक एग्जाम्पल कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस का, वो ये हो सकता है कि खाना डाइजेस्ट होके एटीपी बनना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एनर्जी में बदलना। देखिए, जो एक नॉर्मल एटम होता है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसकी आउटर शेल में, मतलब कि कक्षा में, इलेक्ट्रॉन्स भ्रमण करते हैं। अब जो नॉर्मल सेल होता है उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स भ्रमण करते हैं वो मोस्टली पेयर में होते हैं, मतलब कि वो बैलेंस होते हैं। और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके एटम में क्या होता है कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की भ्रमण कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में पाए जाते थे उसकी जगह वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है फ्री रेडिकल्स में। तो इसको हम बॉडी के फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ये ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की भ्रमण कक्षा या शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखिए, बॉडी में अगर ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक इलेक्ट्रॉन कम है उसकी भ्रमण कक्षा में, वो पूरी करने के लिए बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और हेल्दी सेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेते हैं, तो जो हेल्दी सेल्स है वो अनहेल्दी हो जाते हैं और वो सेल्स में इन्फ्लामेशन होने लगती है। तो फ्री रेडिकल्स बॉडी को इस प्रकार से डैमेज करते हैं कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन कम है वो पूरा करने के लिए हेल्दी सेल्स के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और हेल्दी सेल्स को इन्फ्लामेशन की तरफ धकेल देते हैं। अब देखिए, ये फ्री रेडिकल्स के कारण जो हेल्दी सेल्स है उसमें जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है तो क्रॉनिक पेन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आपकी आंखों से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाली दिक्कतें बोलते हैं, और नॉर्मली ये जो बीमारी या जो पेन होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल है उसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और जो प्रोसेस से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब कि जो सेल्स को डैमेज करते हैं या उसको इन्फ्लामेशन की तरफ भेजते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स को शांत करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज बॉडी में होनी चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट हम बहुत बार बोलते हैं कि बॉडी में ये फायदा करते हैं, वो फायदा करते हैं, लेकिन वो फायदा इस तरह से करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स शांत एटम, मतलब कि जो नॉर्मल एटम है उसमें बदल जाते हैं, और इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में डालने की वजह से इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक पेन से हमें राहत मिलती है। न्यूट्रिशन में जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी बात हम
अलग वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी को फायदा कर सकते हैं फूड्स में, लेकिन आज हमें बात करनी है अर्थिंग की, तो उसके ऊपर अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये जो फ्री रेडिकल्स है वो आपके बॉडी को सिर्फ हार्म ही करते हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं, फंगस से लड़ते हैं, लेकिन उसका बॉडी में एक सही बैलेंस होना ज़रूरी है, एक सही मात्रा होनी ज़रूरी है। अगर फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज़्यादा बढ़ गए और एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कम है, तो जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जो इसके नुकसान है वो हमें हो सकते हैं। अब देखिए, जो अर्थ है यानी कि जो ज़मीन है वो नेगेटिव आयन से चार्ज्ड रहती है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भरपूर होती है। जब भी आप अपने बॉडी को जमीन के संपर्क में लाते हो, तब जो जमीन में इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके बॉडी में ट्रैवल करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री रेडिकल्स है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है उसको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स नॉर्मल एटम जो होते हैं उसमें बदल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम ह्यूमन बॉडी का अर्थिंग या ग्राउंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली अपने शरीर को जमीन के संपर्क में लाने की प्रोसेस को अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। जमीन के संपर्क में लाने से मेरा मतलब है कि सीधी जो अर्थ है उसके संपर्क में, मतलब कि घर का फ्लोरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर जो सोयल रहती है, ग्रास है, बीच पे जा रहे हो तो वहां पे जो रेत होती है उसके ऊपर बेयर फिट के साथ चलने से या सिर्फ टच करने से, बेयर फिट के साथ उसके ऊपर खड़े हो जाओ जमीन के ऊपर, तो भी जो इलेक्ट्रॉन्स जमीन में ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं, और आपकी जो फ्री रेडिकल्स से आने वाली दिक्कतें हैं वो काफी हद तक कम हो सकती है सिर्फ अपने बॉडी को जमीन के संपर्क में लाने से। देखिए, ये एक रिसर्च में बताया गया है कि इंसुलेटिव रबर का यूज जब हम ज्यादा करते हैं, मतलब जो शूज या चप्पल या जो भी हम पहन के चलते हैं, उसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो जमीन के सीधे संपर्क में बहुत कम आता है। आज की लाइफस्टाइल तो ऐसी है कि शायद पूरे दिन में मुश्किल से 5 मिनट अपना बॉडी जो है वो जमीन के संपर्क में आता होगा। मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि सीधा जमीन के संपर्क में आने की बात कर रहा हूँ, घर पे नंगे पैर चल रहे हो उसमें टाइल्स में भी इंसुलेटिव सरफेस आ जाती है, उसका फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो अर्थिंग से हमें फायदे मिल रहे थे वो आज की लाइफस्टाइल में बंद हो गए, और इसीलिए आज की तारीख में ये इन्फ्लामेटरी, मतलब कि जो इन्फ्लामेशन से होने वाले दिक्कतें हैं, उसकी जो बीमारी है उसकी मात्रा बढ़ रही है बॉडी में। लंबे समय तक चलने वाले पेन लोगों में आम हो चुके हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने जमीन से जो फायदा हमें मिल रहा था अर्थिंग के दौरान वो अब बंद हो गया है। देखिए, ये जो अर्थिंग है उसके टॉपिक के ऊपर अभी भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन जो एक चीज हम सब जानते हैं वो ये कि अपने पैरों में तकरीबन 26 बोन्स, 33 जॉइंट्स, 20 मसल्स और उसके साथ साथ 8000 के आसपास नर्व्स होती है। तो ये सभी चीजों को एक्टिवेट करने के लिए भी जब आप नंगे पैर चलते हो तो काफी फायदा होता है। तो अपने पैरों को सिर्फ जमीन के संपर्क में लाने से आपके पेन कम हो सकते हैं, आपकी नींद अच्छी हो सकती है, आपकी कॉर्टिजोल रिदम जो है, आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है, आपकी घाव भरने की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो ये अनगिनत फायदे सिर्फ अपने पैरों को जमीन के संपर्क में लाने से मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो रिसर्च है वो मैं लिंक कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी आप और जानकारी ले सकते हो। और अपने बॉडी को ग्राउंड या अर्थ करना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको अपने पैरों को जमीन के संपर्क में लाना है या अपने हाथों को जमीन के संपर्क पे लाना है। उसके लिए आप अपने घर के पास कोई गार्डन हो वहां पे चल सकते हो, सिर्फ बेंच के ऊपर बैठ के भी अगर आप अपने पैरों को जमीन के संपर्क में लाओगे
तब भी आपको अर्थिंग के फायदे मिलेंगे। लेकिन सलाह यही रहेगी कि आप चलना शुरू कीजिए उसी जमीन के ऊपर, उसी ग्रास के ऊपर। बीच है आपके घर के आसपास, तो वहां पे जो रेत होती है वहां पे जाके भी आप अपने हाथ और पैरों को जमीन पे टच करके अर्थिंग का फायदा ले सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो घर से बाहर निकल के जहां पे भी आपको धूल मिट्टी वाली जमीन मिले वहां पे 2-5 मिनट अगर खड़े रहोगे तब भी आपको ये अर्थिंग के फायदे मिल सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो ज्यादा लंबा समय खुद को अर्थ या ग्राउंड करने से फायदा हो सकता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट खड़े रहो तो भी फायदा मिलेगा। बाकी आप जितना लंबे समय तक ये प्रोसेस कर सको वो आपके लिए फायदा है। और जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि इस टॉपिक पे अभी भी रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक या इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, इस पे आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो अगर आप ये यूज भी करते हो कल से तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ना आपकी जेब पे ना आपकी हेल्थ पे। और देखिए, इसीलिए शायद हम धरती को या पृथ्वी को मदर अर्थ या धरती माँ बोलते हैं कि सिर्फ उसके संपर्क में आने से भी बॉडी में अनगिनत फायदे हो सकते हैं। देखिए, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं नॉर्मली ऐसी हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता हूँ, लेकिन साइंस भी इस चीज को अभी मानने लगा है कि अपने बॉडी को जमीन के संपर्क में लाने से फायदे हो सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो की छोटी सी जानकारी। आप हो सके तो ये जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग की टेक्निक है उसको शुरू कीजिए, और इससे जो भी फायदे मिल रहे हैं वो मुझे भी बताइए या कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।